हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नवरात्रों में कैसे करें कन्या पूजा और क्या हो कन्या की उम्र, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो मेरा एंड तक जरूर देखेगा, जिसमें आपको मैं सब कुछ बताऊंगी कि कन्या पूजा करने के क्या लाभ होते हैं, किस उम्र से किस उम्र तक हमें कन्या को बिठाना चाहिए पूजा में और किस तरह से पूजा हमें करनी चाहिए। ये सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। नवरात्र की सप्तमी से कन्या पूजा शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। कन्याओं के पैरों को धोया जाता है, उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है। ऐसा करने वाले भक्तों को माता सुख समृद्धि प्रदान करती है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजा का विशेष महत्व है। नौ कन्याओं को नौ देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त व्रत पूरा करते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य के मुताबिक भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं, इससे माता प्रसन्न होती है। सप्तमी से ही कन्या पूजा का महत्व है, लेकिन जो भक्त पूरे नौ दिन का व्रत करते हैं तिथियों के मुताबिक, नौमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खत्म करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कन्या पूजा के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन सबसे अहम और शुभ माना गया है। कन्या पूजा के लिए कन्या को एक दिन पहले सम्मान के साथ आमंत्रित करें। खासकर कन्या पूजा के दिवस ही कन्या को यहाँ वहाँ से एकत्र करना लाना उचित नहीं होता। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करना चाहिए। नव दुर्गा के सभी नौ नामों के जयकारे लगाना चाहिए। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बिठाकर सभी के पैरों को स्वच्छ पानी या दूध से भरे थाल में पैर रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए। पैर छूकर आशीष लेना चाहिए और कन्याओं के पैर धुलाने वाले जल या दूध को अपने मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। कन्याओं को स्वच्छ और कोमल आसन पर बिठाकर पैर छूकर आशीर्वाद देना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करने के बाद इन देवी स्वरूप कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। कन्याओं को अपने हाथों से थाल सजाकर भोजन कराएं और अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और दोबारा से पैर छूकर आशीष लें। हर उम्र की कन्या का अलग होता है रूप, तो चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। नवरात्र के दौरान सभी दिन एक कन्या का पूजन होता है, जबकि अष्टमी और नवमी पर नौ कन्याओं का पूजन किया जाता है। दो वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर होती है। तीन वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन धान्य की भरपार रहती है, वही परिवार में सुख और समृद्धि जरूर रहती है। चार साल की कन्या को कल्याणी माना जाता है, इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। वहीं पाँच वर्ष की कन्या रोहिणी होती है, रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। छह साल की कन्या का कालिका के रूप माना जाता है, कालिका रूप में विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। सात साल की कन्या चंडिका होती है, चंडिका रूप को पूजने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आठ वर्ष की कन्या संभावनी कहलाती है, इनको पूजने से सारे विवाद में विजय मिलती है। नौ साल की कन्याएं दुर्गा का रूप होती हैं, इनका पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य में भी पूरे हो जाते हैं। दस साल की कन्या सुप्रद्धा कहलाती है, सुप्रद्धा अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूर्ण करती है। दो साल से दस साल तक होना चाहिए कन्या का उम्र। दस साल से ऊपर की कन्या को कभी भी कंजक में नहीं बिठाया जाता। अपने घर में बुलाई जाने वाली कन्याओं की आयु दो वर्ष से दस वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए। कम से कम नौ कन्याओं को पूजन के लिए बुलाना चाहिए, जिसमें से एक बालक होना अनिवार्य है, जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। यदि नौ से ज्यादा कन्या भोज पर आ रही है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। नवरात्र के दौरान भारत में कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन कुछ लोग नवरात्र के बाद ये सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत सी जगह कन्याएं शोषण का शिकार होती हैं, उनका अपमान हो रहा है। ऐसे में भारत में बहुत सारे गांवों में कन्या के जन्म पर लोग दुखी होते हैं। जरा सोचिए, क्या आप एक ऐसा करके देवी माँ के रूप को अपमान नहीं कर रहे? कन्या और महिलाओं के प्रति हमें सोच बदलनी होगी। देवी तुल्य इन कन्याओं और महिलाओं का सम्मान कर, इनका आदर कर, आप ईश्वर की पूजा के बराबर पुण्य प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में तो बताया गया है कि जिस घर में औरत का सम्मान होता है वहाँ खुद ईश्वर वास करते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना तो कभी ना भूलें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली फ्यूचर में कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।